हेलो व्यूअर्स, आपको स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल अन्नपूर्णा भंडार में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो आज मम्मी बनाने वाली है बंगाली का एक ट्रेडिशनल रेसिपी मालपुआ। तो बहुत आसान तरीके से कैसे बनते हैं मालपुआ, चलिए देखते हैं। और मालपुआ बनाने के लिए मम्मी ने ले लिया है 1 लीटर दूध और इसमें मम्मी डाल रही है काजू और किशमिश। आप चाहे तो आपकी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मम्मी डाल रही है 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ कोकोनट और 2 टेबलस्पून डाल रही है राइस फ्लावर। अब एक हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंटना पड़ेगा। अच्छी तरह से सब कुछ मिलाने के बाद अब मम्मी इसमें डाल रही है शुगर या चीनी 200 ग्राम। अब चीनी को भी अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। अब इसमें फिनिल सीड यानी सौंफ इसमें मम्मी डाल दिया है, इसको भी अच्छी तरह से चीनी के साथ मिलाना पड़ेगा। अब मम्मी इसमें डाल रही है आटा, यहाँ पर 300 ग्राम आटा है, आटे को भी अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। और एक स्मूथ बैटर बनाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कोई लम्स इसमें ना रहे। देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है। उधर कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है और ये इसको डीप फ्राई करना पड़ेगा। एक गोल टाइप का करछी मम्मी ने ले लिया है और उसकी मदद से रिफाइन ऑयल में इसको डीप फ्राई करना पड़ेगा। जितना ऑयल को अब ऐसा करते रहेंगे चारों तरफ से, ये धीरे धीरे देखिए फूल उठेगा। अब देख सकते हैं कैसे फूल रहा है। अब मम्मी इसको पलट देंगी ताकि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब इसको तब तक फ्राई करना पड़ेगा जब तक कि ना ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसका, और लो फ्लेम में भी डीप फ्राई करना पड़ेगा रिफाइन ऑयल से। तो देखिए दोस्तों इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ये तैयार हो गया है आज का मालपुआ। और मम्मी ने बना लिया है सभी मालपुए और सर्विंग बोल में सर्व कर दिया है आज का मालपुआ। और अगर मम्मी के हाथ का आज का मालपुआ आपको अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत ही आसान तरीके से झटपट बनने वाली ये मालपुए को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।